ये लो आपकी, दे आर ऑल वेरी हैप्पी. थैंक यू सो मच जिसने भी डोनेशन कराया हमें. हाँ तो मैनेजर साहब कैसा लग रहा है आपको? मैनेजर साहब मत बोल भाई, एडिट हो जाएगा. कोशा ने हम लोगों को गिफ्ट भेजे हैं हमारी टीम के लिए, ये विंटर जैकेट्स. थैंक यू, आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा. एक्साइटमेंट म्यूजिक. बिफोर मैं डॉक्टर हिमांशु से बात करूँ, वो बताओगे वो जो दो पपीज हैं उनका क्या हुआ? सर एक पपी की तो कल ट्रीटमेंट के दौरान डेथ हो गई थी. जो दूसरा पपी है जिसको मैं उनकी बात, जो पॉइजनिंग वाले आए थे, दूसरा पपी है वो एक्टिव हो गया है. कहाँ है? ये तो मच बेटर लग रहा है कल के मुकाबले, बहुत ज्यादा. मैं तो उस लड़की से कल बहुत इम्प्रेस हुआ है, रुचि की, मतलब वीगन है और पुराने मतलब नए कपड़े नहीं खरीदते, अपनी पॉकेट मनी बचा के वो करती है. ऐसे मत ट्रेन करो, आपको दिक्कत होगी फिर. ये क्या मतलब भाई? अगर आप इसको इस तरीके से एग्रेसिव करने की कोशिश करोगे ना, किसी भी फैमिली मेंबर पे आपने मजाक में बोल दिया शू, तो कभी काट ना ले किसी को. अच्छा नहीं नहीं कुछ नहीं करेगा, अभी बॉस के साथ ठीक लग रहा है, कंफर्टेबल हो गया बॉस. मैं भी थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया हूँ, ज्यादा तो नहीं थोड़ा हो ही गया हूँ. उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. इसके आस पास स्टॉक है, इसके जो खाना दो, स्टरलाइजेशन भी करो, वैक्सीनेशन भी करो, खाओ को भी देखो. अभी नहीं कहेंगे, एटलीस्ट वीगन नहीं बन सकते, वेजिटेरियन तो बनाओ. हमारे दो बैल एक जैसे ना, टोटो और दानू. ये रहा ये दानू, बस इसका देखना है इसका हल्का सा रह जा रहा है ना, तो मैं क्योंकि यहाँ जगह थोड़े बड़े बड़े बैल है ना, मैं सोच रही थी हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं. चेतक को ऑइंटमेंट लगाने जाते हैं, आप इधर आके देख लो, इसका इतना सा रह गया, इसको भी थोड़ी जगह मिल पाएगी आराम से रहने की, स्ट्रेस फ्री रहेगा. बच्चे इसको आज खुला छोड़ा हमने. अरे 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 क्या हो गया? अब दोस्ती हुई, स्क्रैच कर दो, ये बेटर है, जरा सा रह गए, जा सकता है ये तो. हाँ मैं वही बोल रही थी, इसको छोड़ के उधर आ जाता. और चेतक अब शांत है, दिलवर भैया हेल्प करा रहे हैं या? मैंने बात कर ली थी दिलवर अंकल. ठीक है, बड़ी का मैंने आपको बताया, तो उसका हम फेशियल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं जो कि जरूरी होगा उसकी आईलिड को ऑपरेट करने के लिए. हाँ. पर वो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक होगा. इसके यहाँ पे इतना बड़ा घाव है, वो और इन्फेक्शन क्रिएट कर देगा ना. तो बेटर ये है, चाहे सुनने में जितना बुरा लगे, कि उसकी वो आई रिमूव कर दे. कल हमने शॉर्टकट के बारे में डॉक्टर हिमांशु से बात की थी, उनके हिसाब से स्टंप लंबा छोड़ेंगे थोड़ा, तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा. अगर हम पीछे रखने वाले हैं इको विलेज वाले एरिया में, तो ठीक रहेगा. फिर तो ये देखना है ना कि रिकवरी अगर हो ही रही है स्प्लिंट से, तो सर्जरी की जरूरत नहीं. बिल्कुल नहीं हो रही, बहुत ज्यादा पस है उसमें. अगर इतना इन्फेक्शन है तो अंदर फैल तो नहीं गया, एक बार पूरा प्रॉपर चेकअप हो जाए, उसके बाद हम एम्पुटेशन के नतीजे पे आते हैं ना. इसका मैं नाम भूल रहा हूँ, ये फैंसी जैकेट पहन रखी है जिसने. अच्छा ये वही जिसने हमने चार्ट खरीद के लिए. जैकेट्स कितनी सुंदर सुंदर आ रखी है डोनेशन. अभी हम अस्पताल से आए तो हमारा काफी सारा काम तो इसलिए रुक रहा है क्योंकि बिजली तो है वहाँ पे, लेकिन वोल्टेज पूरी नहीं आ रही. एक जनरेटर हमारे पास है, हमें वहाँ दो जनरेटर और चाहिए, एक किराए पे लेंगे, एक हमारे पास. ये पुराना पड़ा है, आज का डे क्रेजी होगा. एक फन चीज़ है, अनिरुद्ध जो है जो हमारी फोन लाइन हैंडल करता है, वो कह रहा है शाम को गाय बैल आज अनिरुद्ध अंदर करेगा. वो कह रहा था एथलीट क्यूट है ये वो, तो मैंने कहा तू अंदर कर ले. कहता हाँ थ्योरी बता दी उसने, इसमें क्या ये ऐसे ऐसे, मैंने ठीक है. और अभी हम स्ट्रीट से मिलते हैं. बस तो श्रीश जो है अब हमारे को थोड़े टाइम अपडेट्स में हेल्प कराएगा, क्योंकि गुरु चला गया है और हमारे को ट्रांजिशन में चाहिए हेल्प. बॉस का जो आ रहे थे अडॉप्शन के लिए, काफ़ी दिन से उसको वॉक कराने आ रहे थे पिछले चार दिन से, उन्होंने बोला कि वो अडॉप्ट करना चाह रहे हैं. मैं इसको आज एक बार फिर से देख लेता हूँ, कल ले जाऊँगा फिर मैं. घर वालों से बात हो गई अच्छे से? पता है सबको? सबको पता है, मैंने बताया कि मैंने कुत्ता लेने जाना है. ठीक है फिर कल करते हैं अपनी प्रोसीजर ना, कल आप आओ, सब कुछ सेटल होता है फिर एक बार जो अग्रीमेंट साइन हुआ उसके बाद फिर है ना, फिर तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है उस डॉग की. सेट बॉस, सेट सेट सिट सिट. इन्हें कमांड्स आपको सिखाने पड़ते हैं और इनको रीइंफोर्स करने के लिए जब आप कहते हो कि जैसे बॉस सिट गुड बॉय, तो आपने उसको सिट बोला, वो बैठा, आपने उसको ट्रीट दी.
और इस तरह की बड़ी सारी जो ट्रेनिंग है आप ऑनलाइन यूट्यूब पे ही सीख सकते हैं। एक चैनल है जैक जॉर्ज करके, आप उसको यूट्यूब पे देखिए और वहाँ से आप काफ़ी सारी ट्रिप्स वहाँ से आप काफ़ी सारी ट्रिक्स सीख सकते हैं। मैं उनको कह रही हूँ कि 5 दिन आप घर में रखो ट्रायल बेसिस पे एज ए फॉस्टर, है ना, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बता देना, हम वापस शिफ्ट कर लेंगे, और अगर नहीं तो हम 5th डे खुद आएंगे अग्रीमेंट वगैरह लेके साइन करा के फिर हम उसको सेल कर देंगे, तो कल मैं उसको भेज देती हूँ। चांस तो आपको लेना ही पड़ेगा। तुम जब मैं बोलता हूँ तुम कैमरा मेरी तरफ नहीं करते, तुम्हें नाराजगी है मुझसे, तुम भड़ास निकालते हो, यही है बदला है। करता हूँ मैं नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला तुम धर्मगोट के हिप्पी लग रहे हो तो तुम ऐसा कर रहे हो। तुमने देखो जैसे पैंट पहन गए, देखो बहुत दिखाते हैं, पहले इसकी पैंट देखो, अभी ये हरियाणा का छोरा है, ये बिल्कुल अब यहाँ आके इन्हीं रंगों में रंग है। सर कैमरे भी बताना है क्या सर? हाँ कैमरे भी बताओ। सर मेरे को बॉस के अडॉप्टर पर थोड़ा सा डाउट हो रहा है, क्योंकि वो मैं उसको 2-3 दिन से ट्रायल ले रहा हूँ ना, उनका शूट कर रहा हूँ, तो वो बेसिकली आगे जाके उनको दिक्कत आएगी। ऐसा क्या हुआ? जब लीश पहनाता है ना तभी भी वो सो डर रहा है। सर मेरे को डाउट है सर, मैं अभी श्योर नहीं हूँ, क्या पता सर सच में वो संभाल भी ले उसको। श्रीश जो है बॉस से सबसे क्लोज है, तो कल हम श्रीश से उसको मिलवाते हैं। ये हमारी सैटरडे शाम खतरनाक, सब सीरियसली काम कर रहे हैं क्योंकि हमारा व्लॉग 2 जा रहा है और हमारे अगले व्लॉग के लिए इंटरेस्टिंग बिट। चलो बैल निकाल रहे हैं तुमने? बैल तो अंदर हो गए पर। अच्छा कल सुबह इसकी छुट्टी है, कल ये सुबह, कल तुम वॉलंटियर करोगे सुबह? ठीक है ओके, कल सुबह। हे ज्योति कल तो मैं हूँ क्योंकि आज वो यूट्यूब का इवेंट है ना, किसी मुझे जाना डाली। कौन सा इवेंट है? यूट्यूब का जो क्रिएट फॉर इंडिया करके इन्होंने किया था ना, उसका एक इवेंट है, तो उसमें बड़े सारे लोग आएंगे, बड़े सारे स्पीचेज हैं, आई एम होपिंग कि कुछ काम का सीखने को मिलेगा हमें। तुमने मुझे कहा था कि शॉर्टकट जो है इम्प्रूव हो रहा है, मुझे थोड़ा डिटेल में बता दो, उससे मेरा ध्यान कहीं और था। डॉक्टर से बात करें एक बार डायरेक्टली। और वैसे तो कोई रेस्क्यू तो आज होगा नहीं, जगह कहाँ है हमारे पास? बॉस जाएगा तो एक जगह बनेगी, पर उसको प्लीज स्टरलाइजेशन के लिए यूज करना। जी सर हाँ, हम स्टरलाइजेशन अभी भी कर ही रहे हैं अपना, तो वो तो नहीं रुक रहा है। रजोल में पपीज दिखे थे कल मुझे, तो थोड़ा वो था मैं तो। अरे इसने बड़ा नाइस वो पहन रखा है, फैशन स्टेटमेंट वाला शूज। सर नहीं नहीं नहीं, लात बहुत बुरी मारता है, आई एम सॉरी, लेकिन वो लात बहुत बुरी मारता है। यू डोंट हैव टू अपोलोजाइज फॉर हिज बैड मैनर्स। लगते हैं मानसो फॉर सेविंग माय लाइफ। ये ले, तुम्हें इसकी जगह वैभव जैसे लगती है? हाँ यो, और वो डाल भी दिया था एडिटर ने पेरेंट करने के लिए। कल तो तुमने मुझे बिल्कुल ऐसे ही कहा था कि उसका पैर जाएगा ही जाएगा। सर दिख तो वैसे पस बहुत ज्यादा। कल मैंने चेक करके ज्योति को बताया था कि उसमें कैलस फॉर्मेशन ऊपर भी लग रही है, फ्रैक्चर साइड के नीचे भी लग रही है, पर बीच में नहीं लग रही है। ऊपर और नीचे में अब बाबा ये तू खा रहा है मेरे को। हड्डी के संदर्भ में आप समझाएंगे व्हाट यू मीन ऊपर और नीचे? हड्डी के संदर्भ में मतलब ये कि संदर्भ का संदर्भ समझाओ, मतलब कि कॉन्टेक्स्ट में ये है कि जो फ्रैक्चर है जहाँ पे जिस साइड पे, उस साइड के ऊपर और नीचे कैलस फॉर्मेशन है, पर फ्रैक्चर साइड पे नहीं है। ऊपर और नीचे, क्रैक के ऊपर है, क्रैक के नीचे है। पर फ्लेक्चर साइड पे जो हड्डी बाहर है वो बाहर ही है, तो वो ऊपर और नीचे का हमारी होप है कि वो फैलते फैलते मिल जाएगा। एक बार वो एक्सरे से ही पता चलेगा ना, वही है वेट करने वाला सर। तो वेट करने के चक्कर में ऐसा नहीं है ना कि वो उसका पैर सड़ जाएगा? जब तक हमें एक चांस मिल रहा है ना तब तक देख लेते हैं, तब तक देख लेते हैं। पर अगर फिर जो हमारा जो चेकअप है उसमें हम ये देखेंगे ना कि भाई जैसे ही हमें लगेगा कि कुछ डाउन टर्न हो रहा है तब हम फिर एम्प्यूटेशन के लिए जाएंगे। अनिरुद्ध से एथलीट निकलवाना चाहिए था, उसने एकदम खूब कल थ्योरी बताई थी। सर या तो मैं ऐसे करूँ ना कि अपने सारे जानवरों को अंदर रख दूँ पहले, मतलब अंदर वाले काउशेड में, फिर निकालो, क्योंकि वो दौड़ता है और मैं नहीं चाहती ना कि किसी, सारे बूढ़े बूढ़े बेचारे हैं। चलो हो रहा है, बैल निकाल साफ करने में सारी ले लेना, ठीक है? हाँ वो वॉलंटियरिंग कर रहा है। बैल निकालने, बैल निकालने ना, वो तो मैं बैल के साथ वो सब कुछ करेगा। जाओ भैया आ जाओ, बैल से शुरुआत करवाते हैं आपकी आज की सुबह की। नहीं मारेगा, निकाल आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उठा चलो, खींचो खींचो भाई खींचो, इधर खाना बाजू, बाहर ले जाना है, टाइम वेस्ट ना करो, बहुत सारे गाय वेस्ट कर वो हैं, वेट कर रहे हैं। डन
सारी गाय एक बड़ी पपीज की जैसे होती है बस। कैसे होती है? वो मारने वाला की तरीके से। वो मारने वाला, वो निकालो। हाँ वो निकालो। हाँ जी, नाम क्या है इसका? एथलीट। उसका जाने का मन नहीं है। जो करना मैं बैल बाहर छुड़वा देती हूँ, फिर कर लो। यहाँ पे हादसे हो सकते हैं। इंजर्ड बैल है, कोई तीन टांग वाला है, ये जाके किसी को धक्का मार दिया तो, या किसी इंसान को चोट आ गई तो ये रिस्क बाहर करो जो करना। कैसा लगा? काफी अच्छा लगा। डॉग्स की तरीके से है, बोले डॉग जैसे। किस एंगल से? क्यूट है बस, भारी। तुमने उठाया थोड़ी उनको। प्यार करती है। कल रात की बस पकड़ के मैं आज सुबह दिल्ली पहुंचा हूं। यहां पे गूगल फॉर इंडिया का प्रगति मैदान में 11 बजे इवेंट है, तो बस मैं अभी वहीं जा रहा हूं, पर दिमाग मेरा फार्म में ही लगा हुआ है। हाँ जी सर। मॉर्निंग। नहीं सर, दो बिल्ली नहीं थी, एक किटन ही थी, एक ही अराउंड 6:15-6:30 पे। वो मंकी बाइट का इशू है ना, काफ़ी ज़्यादा गहरा वुंड है, मतलब सूचर लगाने पड़ेंगे, इतना गहरा है। स्पाइन। स्पाइन क्या है? पैर चल रहा है? पिछले चल रहा है। सेंसेस ही नहीं है? पीछे तो नहीं है। अच्छा, क्रिटिकल ही? हाँ क्रिटिकल ही है। अभी आज का कोई रेस्क्यू रिलीज? रेस्क्यू नहीं है, रिलीज है। जो हमने स्पे के लिए एक डॉग लाई थी यहाँ पर, जो स्टूडेंट और टीचर छोड़ने आए थे, उसको अभी रिलीज करने जा रहे हैं हम स्कूल। शोई, शोई, नोई, मेरा बच्चा, मेरा बेटू, मेरा बच्चा, आई मिस यू सो मच बच्चे। ये ठीक रही? यस मैम। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी एक्चुअली, मेरे पास नंबर नहीं था। हील हो गया वो है ना? हो गया, सर हील हो गया। एक्चुअली ये मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ही इज़ ऑल्सो डॉग लवर। इसी ने मुझे बोला मैम इसका भी हम स्टरलाइजेशन करवा देते हैं, फिर इसको ठीक रहेगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मैम आप। थैंक यू। नहीं मैं करती भी रहूँगी और हमेशा। यस मैम। जी जी। और सर जो बॉस को लेने रेड से अडॉप्टर्स आने वाले थे, वो आज उसे लेकर जाएंगे। ये लॉक हो जाता है ना सर, तो ये उसको ध्यान रखना, क्योंकि छूट गया तो फिर हाथ में आएगा नहीं, तो ये ऐसे रखने का हमेशा। हाँ। और दूसरे हाथ से कंट्रोल करो फिर है ना, जो शॉर्ट करना है, बाइक वाइक आ रही है वो आप इससे ऐसे करो, बट ये सेफ्टी के लिए कभी चेंज करो ही मत इसको ना। ये श्रीश है, ये पहले बॉस को फॉस्टर करते थे, उनको बॉस के बारे में ज़्यादा आइडिया है। कुछ दिन तो आपको कॉन्टैक्ट में रहेंगे श्रीश ना? हाँ जी जी। तो अभी श्रीश साथ में जाएंगे वॉक के लिए, एक बार वॉक करवा के ले आओ। बॉन्ड करना है इसके साथ भाई बहुत। मेरे साथ मतलब जिस ये स्टेज में आया था ना, आपको क्या बताऊँ, इसके साथ बहुत इश्यूज थे। क्या टॉर्चर हो गया आया था आपके घर पे? ऐसे है जगह बाउंड्री वाली? हाँ हाँ, मैंने वीडियो भेजी थी कल इनको ना, ज्योति मैम जो ना। फिर तो ये बहुत खुश रहेगा भाई। चारों तरफ वहाँ लेंटर पे रेलिंग है चारों तरफ, ये ऊपर ग्राउंड पे है पर जगह थोड़ी। हाँ ग्राउंड में काफी आंगन काफी बड़ा खुला है। मम्मी को पता है ना? हाँ मम्मा को पता है। ठीक है, एक बार एक काम करते हैं श्रीश, अपन चलते हैं ना, साथ में डॉग छोड़ आते हैं हम तुम्हारे यहाँ। कॉलर आप लोग रहेंगे, डरने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, है ना, ऐसे बिल्कुल फ्रेंडली है। बस वही है कि एक जो छोटा पपी होता है और इसमें डिफरेंस है ना, पावर का डिफरेंस है ना, स्ट्रेंथ का डिफरेंस है, तो आप एकदम उसको ऐसे ऐसे नहीं कर सकते। ट्राई करिए, घर में एडजस्ट हो जाता है। नहीं ऐसी डरिए मत बिल्कुल भी। हाँ कुछ नहीं, वहाँ कराना है कुछ नहीं, कुछ एक बार देख लो आप इसके पास आके, कुछ नहीं बोल। नहीं कुछ नहीं बोल, कुछ नहीं। वो मिलने आ रहा है आंटी। जो मैं मना कर रही हूँ सिर्फ। हाँ मुँह पर ऐसे मत जाना आप ना पास में, हाथ से आप दूर से इससे। अच्छा अच्छा, लेकिन एक चीज़ है, प्लीज लीश पे ही रखना बाहर ना, किसी की मतलब घर पे अंदर रहेगा तो आराम से बिना लीश के रह सकता है। तो पापा को पूछा ही मम्मा जी, पापा को पूछा क्या बोलेंगे, डरेंगे तो पहले कुत्ते ने बड़े शुरू थे बच्चू, तो वही डरे ही थे, तुम्हें नहीं डरते रहने। आंटी से बात कर लेंगे, पापा को पूछ ले पहले, पूछ ले पूछे मैं, वो चक्कर नहीं है, टेंशन बहुत।
आपको फ्रेंडली होना इम्पोर्टेंट फेस को देख के डर दिखने में डराना है लेकिन हम ऐसे हम क्यों रिस्क लेंगे किसी और के लिए कि अब डॉग छोड़ के आ जाए और हमें पता है कि भाई अग्रेसिव ऐसा कभी नहीं है ना उसको बोलना पहले तो ऐसे हाथ ले जाके बैठ गया नीचे छोड़ो छोड़ो दूर से छोड़ो नहीं आंटी डरो मत हम इसलिए बोल रहे हैं नीचे छोड़ने क्योंकि ये एक्साइटेड है ना नए लोग हैं नई जगह है चलो अब हम लोग ज्यादा आवाज देंगे ना तो फिर वो फिर बेचैन हो जाएगा ना मैं दिल्ली आ रखा हूँ तो मैं आपको वो जगह भी दिखाता हूँ जहाँ पे हमने दिल्ली में डॉग्स की स्टरलाइजेशन शुरू करी थी लगभग 9 साल पहले। तो ये छत पे हमारा वो कमरा है जो बतौर ऑफिस काम करता था और यहाँ बाहर छत पे हमने कुछ केनल्स बना रखे थे 6 जहाँ पे हम डॉक्टर विजय से सर्जरी करा के डॉग्स की पोस्ट ऑपरेटिव केयर करते थे। तो ये है 4 मंजिल ऊपर और फिर 1 मंजिल जो हमारी छत और फिर हमने बाद में पीपल फार्म शुरू किया। ये मैंने छत पे ही एक प्लांटर बना रखा था भाई क्योंकि मुझे शुरू से पौधे बहुत पसंद है। अब तो इसमें एलोवेरा लगा है वो बिना पानी के चल जाता है। इस जगह पे एक और स्टोरी है। बहुत साल पहले जो मेरा पहला वेंचर था ना जब इंडिया में केबल टीवी आया था वो था कि जो लोगों ने अपने एल्यूमिनियम के दूरदर्शन वाले एंटीने छोड़ दिए थे ना उनको कलेक्ट करके रिसाइकिल करना। बट ये स्टोरी कभी और। पहुंच तो मैं यहाँ पे गया हूँ 12 बजे जब इवेंट शुरू होगा तो पता लगेगा कि भाई आना वर्थ इट था या नहीं। तो बहुत सी हुई पर जो एक काम की बात समझ में आई वो ये कि आगे व्यूज चाहिए लोगों तक पहुंचना है तो शॉर्ट्स बनाओ। फाइनली मेट्रो से निकला कश्मीरी गेट बस अड्डा रात की बस कल सुबह फार्म।